नूरानी कायदे का सबक पढ़ने लगे हैं, हरूफ मुकत्तआत बड़ी तवज्जो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तख्ती के बारे में मुख्तसर सी मालूमात। इस तख्ती की जो तरतीब है वो तरतीब कुरानी है। क्या है भाई? तरतीब कुरानी, यानी अलिफ लाम मीम से लेकर नून तक पूरे कुरान में हरूफ मुकत्तआत इसी तरतीब के मुताबिक हैं जैसे इस तख्ती में लिखी हुई। याद रह जाएगी बात, तरतीब। दूसरी बात, हरूफ मुकत्तआत कुरान पाक में कितने हैं? क्या जवाब है भाई यहाँ पर, कितने हैं जल्दी बताएं? शाबाश। नहीं यार, कितने हैं भाई यहाँ पर? 14 हैं। हरूफ मुकत्तआत और हरूफ तहज्जी आपको बिल्कुल नहीं भूलने चाहिए, ये बराबर है। हरूफ तहज्जी कितने हैं? 29। कितने हैं? और हरूफ मुकत्तआत भी मुकम्मल पूरे कुरान में कितने हैं? 29। कितने हैं? देखो, जब मैंने ये बात अर्ज कर दी हरूफ तहज्जी हरूफ मुकत्तआत बराबर है, फिर 14 का क्या मतलब? बात समझ आएगी भाई? यहाँ पर जो 14 लिखे हैं उसका मतलब क्या है? बगैर तकरार के, बगैर हरूफ मुकत्तआत कुरान पाक में 14 हैं। अब अलिफ लाम मीम कई दफ़ा है, यहाँ एक लिखा है। हामीम कई दफ़ा है, यहाँ पर एक लिखा लैदा। ठीक है, बस समझ आ गई इतनी। फिर उसके बाद इसकी और अहम बात, जब इसको हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर मद वाले हरूफ भी हैं जिसके अंदर सिर्फ एक अलिफ के बराबर खींचा जाएगा, और लंबी मद वाले हरूफ, लंबी मद वाले जो हरूफ हैं, और ये जो 14 हरूफ है इन 14 हरूफ का फिर एक खुलासा है जो बड़ी किताबों में लिखा हुआ है, वो फिर 14 हरूफ हैं। कितने हैं? नाकासा असलुकुम हय्युन ताहिर, ये फिर 14 है। नाकासा असलुकुम, ये कितने हो गए? 8। हय्युन ताहिर, ये 6 कितने हो गए? 14। ठीक हो गया जी। तो ये जो पहले 8 हैं ये लंबी मद वाले हैं, और जो दूसरे 2 6 हैं वो क्या हैं? एक अलिफ की मकदार उनको खींचा जाता है। समझ आ गई बात? शाबाश। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे, अब पढ़ने का तरीका, उसमें लंबी मद जब करेंगे उसके साथ एक गुन्ना है, एक तो गुन्ने पर तवज्जो देंगे, दूसरी बात है उसमें इख्फा। क्या है भाई? इख्फा को कैसे पढ़ेंगे? आई, ये मद होगी, आई यहाँ पर इख्फा होगा। ठीक है जी, अब तवज्जो पढ़ने पर दे लीजिए कैसे, वो मुख्तसर से। शाबाश। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम जी। अब इस पर ऊपर जाएंगे तो लाम पे क्या करेंगे? मद। मद के बाद फिर क्या होगा? गुन्ना। ये गुन्ने का इशारा, बच्चों को भी पहचान नहीं है लिहाजा गुन्ना इस तरह बच्चों को इशारा करके बताएंगे, बेटा ये क्या आवाज़ है? ये किसकी आवाज़ है? गुन्ने की आवाज़। किसकी आवाज़ है? गुन्ने की। बात समझ आ गई? फिर एक मरतबा अलिफ लाम की बात। तो ये उमूमन गुन्ने की गलती होती है कि बीच में गुन्ना रह जाता है, अलिफ लाम मीम गुन्ना रह गया जी। आगे चलिए, वही गलतियां हैं इसके अंदर भी। अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम
कल गलत भी वाजे हो, बहुत अहम सबक है तवज्जो के साथ। मीम की मद के बाद कल कला ना हो, मीम स्वाद, ठीक है, मीम स्वाद, ये गलती होती है, इसका ख्याल रखना। आगे चलिए, शाबाश। अब अगला जो हरफ अलिफ लाम, इसको कैसे पढ़ेंगे, कोई एक साथी पढ़कर बता देंगे। अगला हरफ क्या है भाई, एक एक पढ़े, कोई एक पढ़े। जी रा लंबा हो गया थोड़ा सा, ये उमूमन गलती होती है। यहाँ अलिफ लाम कलकला ना हो, लाम गुन्ना ना हो, लाम रा सख्ता ना हो, ये तीन मुमकिन गलती हैं, समझ गए जी। सही कैसे पढ़ेंगे, तवज्जो, अलिफ लाम रा, ये ज़्यादा लंबा नहीं, ये अमूमन गलती होती है। अब इसको समझाने का तरीका, जैसे पहली तख्ती में रा लिखा हुआ था, उसके आगे अलिफ लिखा हुआ था बेटा, वही अलिफ यहाँ पर इसके ऊपर लिख दिया, लिहाजा जैसे पहली तख्ती में रा पड़ा था यहाँ पर भी उसी तरह, समझ आ गई बात। शाबाश, आगे जी, अलिफ लाम आगे हरफ बड़ा है, उसको पढ़ना तो बाद में इकट्ठा है, इब्तदाई तौर पर बच्चों के लिए उसको आधा करके पढ़ा सकते हैं। काफ हा या, हा और या दोनों में खड़ी जबर, लंबा ना हो भाई। हा या एक छोटा एक लंबा, या दोनों को ज्यादा ही लंबा कर दिया, नहीं। काफ हा या, आई, ये आयन की पर तवज्जो देना, एक है आई आवाज नाक में न जाए, आयन की मद फिर उस पर है इख्फा। यहाँ गलती क्या होती है, मद और इख्फा दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो ये मद का इशारा होगा, इख्फा का इशारा, यूं उंगली नीचे करूँगा फिर आगे पढ़ेंगे स्वाद, बात समझ आई, ताकि मद और इख्फा की आवाज मिक्स, आई यू पढ़ जाते हैं, तवज्जो, आई स्वाद, गलती समझ आ गई, शाबाश। अब इसको मुकम्मल पढ़ेंगे, काफ हा या आई स्वाद, बराबर हो, त्वहा त्वहा त्वहा, त्वहा को लंबा, हा छोटा, त्वहा आ जा, मिसाल पहले अर्ज की थी, बराबर, त्वसी को समझाएं, सीन मीम पढ़ जाते हैं, नून को जाहिर करते हैं, यहां नून जाहिर नहीं, यहां इदगाम हो गया, इसकी मिसाल कैसे, जैसे वसीम, किसी का नाम क्या होता है, वसीम, तो वसीम ये वही सीम है, ठीक है, सीम, तो नून की आवाज उसमें नहीं आती, समझ गया जी। तो त्वा को ज्यादा लंबा नहीं करना, सीन पर मत करते हुए फिर होंठों को बंद करेंगे, नून की आवाज बीच में, पासी,
कोई बहरे तो नहीं बीच में जो पहले बोल पड़ते हैं। हामीम हामीम, फिर आयन आ गया जी, आयन की मद फिर इख्फा, सीन की मद फिर इख्फा, आयन सीन को इशारा करते हुए लगता है शर्म आ रही है, नहीं गलत पढ़ते हो शर्म नहीं आएगी, इशारा करते हो शर्म आ रही, मैं कर रहा हूँ सारी दुनिया देख रही है। आई सी को मुकम्मल हो गई, इसी तरीके से आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, करेंगे इंशाल्लाह।